पीटर पैन और कैप्टन हुक। एक जमाने में तीन भाई बहन थे। उनके नाम वेंडी, माइकल और जॉन थे। वो लंदन के एक बड़े घर में रहते थे। रोज रात को सोने से पहले सबसे बड़ी बहन वेंडी अपने छोटे भाइयों को शूरवीर पीटर पैन की कहानियाँ सुनाया करती। वेंडी, पीटर पैन के बारे में बताओ ना। वेंडी प्लीज, हमें एक और कहानी सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। बहुत देर हो चुकी है और कल हमें स्कूल भी जाना है। चलो अब आँख बंद करो और सो जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट वेंडी। कुछ देर बाद वो डर के मारे जग गए, क्योंकि कमरे में उन्होंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। तुमने सुना? हाँ, क्या तुमने सुना वेंडी? हाँ, अरे जॉन, वो रोशनी किस चीज की है? कहाँ? क्या वो है तो? वो? हाँ, ये मैं हूँ, टिंकर बेल। फिर कुछ अजीब हुआ। कमरे के बीचों बीच अचानक से पीटर पैन नजर आने लगा। पीटर पैन, तुम लोग हमारे साथ आना चाहते हो? कहाँ? टिंकर बेल और मैं तुम्हें नेवरलैंड ले जा सकते हैं, जहाँ खोए हुए बच्चे रहते हैं। नेवरलैंड? जहाँ खोए हुए बच्चे रहते हैं? लेकिन हम तो उड़ नहीं सकते। टिंकर बेल मदद करेगी, वो तुम पर परी चूर्ण डालेगी और तुम लोग उड़ पाओगे। इसके बाद टिंकर बेल ने सब पर थोड़ा थोड़ा परी चूर्ण डाला और कमाल हो गया, सब उड़ने लगे। मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो, मैं उड़ रहा हूँ। ऊपर नीचे इधर उधर वो उड़ रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे और वो कमरे के बाहर आसमान की तरफ उड़ने लगे। जब वो नेवरलैंड के ऊपर से उड़ रहे थे, तब पीटर पैन ने समुंदर के बीच वाली जहाज के ओर इशारा करके कहा, देखो वो कैप्टन हुक का जहाज है, उससे हमें बहुत सावधान रहना होगा। वो काफी दिनों से मुझे कैद करने की कोशिश कर रहा है। ये कैप्टन हुक कौन है? वो एक खतरनाक लुटेरा है और पीटर पैन का जानी दुश्मन यानी मेरा, और साथ ही खोए हुए बच्चों का भी दुश्मन है और एक मगरमच्छ का भी। बहुत दिन पहले हमारी लड़ाई हुई थी, मैंने उसे उसके जहाज से पानी में धक्का दिया था और एक मगरमच्छ ने उसका हाथ खा लिया, उसकी घड़ी के साथ। पहले हम उसे कैप्टन फिस्ट कहा करते थे, लेकिन अब उसके हाथ पे हुक है, इसलिए उसे कैप्टन हुक कहते हैं। समझ गए ना? खैर, जब भी वो टिकटॉक की आवाज सुनता है उदास हो जाता है। वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा, इसलिए बेचारे बच्चों के पीछे पड़ा है। बेचारे बच्चे, वो अपने परिवारों से कितना दूर हैं? मैं जाकर उनसे मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वेंडी धीरे से जमीन पर उतर गई। जब खोए हुए बच्चों ने उसे देखा, तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वो माँ के प्यार के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम हमारी माँ बनोगी? मैं तो अभी छोटी हूँ, मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और वो उन छोटे बच्चों की देखभाल करती रही। वो उन्हें पीटर पैन की कहानियाँ सुनाती। एक दिन जब वो सब चौक में बैठकर कहानी सुन रहे थे, तब एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम सब मेरे कैदी हो। उसने वेंडी को पकड़ा और कहा, अगर तुम लोग इसे वापस देखना चाहते हो तो पीटर पैन से कहो कि मुझसे आकर मिले। वो अपने घोड़े पे चढ़ा और तुरंत जहाज की ओर निकल पड़ा। बाद में खोए हुए बच्चों ने पीटर पैन को सारी की सारी हकीकत बताई। पीटर पैन माइकल और जॉन को अपने दोस्तों के पास छोड़कर उन लुटेरों के जहाज की ओर चल पड़ा। कैप्टन हुक, मैं आ गया, वेंडी को जाने दो। जहाज पे स्वागत है पीटर पैन, मेरे भरोसे के लोग उसे जमीन पर छोड़ आएंगे। वो जैसे ही जमीन पर पहुंची, वो सीधे खोए हुए बच्चों के चौक के ओर गई। हुक ने पीटर पैन को बंदी बना लिया है, अब हम क्या करें? बिल्कुल उसी समय उन्हें आसमान से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो टिंकर बेल थी। हमें पीटर पैन को बचाना है। मेरे पास एक आइडिया है, आओ मेरे साथ। टिंकर बेल, वेंडी, माइकल, जॉन और खोए हुए बच्चे सभी समुंदर के जहाज की ओर जाने के लिए निकल पड़े। जब वो कैप्टन हुक के जहाज के पास पहुँचे, तब टिंकर बेल ने पानी पर नाचना शुरू कर दिया। जल्दी समुंदर की लहरों पर आवाज आने लगी, टिक टॉक टिक टॉक। रोको प्लीज, मुझसे ये आवाज नहीं सही जाती। कैप्टन हुक बहुत गुस्सा हुआ, उसने अपनी तलवार निकाली और पीटर पैन पर तान दी। पीटर पैन को
छोड़ दो, वरना 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 क्या, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी नन्ही मक्खी। टिंकर बेल ने उसी मगरमच्छ को जहाज पर लाने में मदद की जिसने पहले कैप्टन हुक का हाथ खाया था। मगरमच्छ को देखते ही कैप्टन हुक कांपने लगा, उसके हाथ की तलवार गिर गई। जैसे जैसे वो मगरमच्छ आगे आगे आने लगी, सभी मददगार भाग गए। जल्द ही उसने खुद को मगरमच्छ के सामने अकेला पाया। फिर उसने पीटर पैन को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। पीटर पैन उड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। आज हमने एक बहुत ही रोमांचक घटना का अनुभव किया। फिर जॉन जाग गया। उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में है। क्या ये सपना था? हाँ, सब सपना ही लग रहा है। वेंडी पीटर पैन और टिंकर बेल को आसमान की ओर देखकर अलविदा कह रही थी और वो भी उसे अलविदा कह रहे थे। समाप्त। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.